नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चंबल घोष्ट न्यूज चैनल। चंबल घोष्ट न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिले में पर्यटन के विकास के लिए सब मिलकर प्रयास करें, डीएम। धौलपुर जिला स्थापना दिवस 2022 के अवसर पर जिला स्तरीय सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल आदि पर आधारित जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर शुभारंभ किया। उन्होंने धौलपुर जिले में पर्यटन के विकास के लिए संबंधित प्रयास करने की बात कही। जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र में धौलपुर स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित पर्यटन और पुरातत्व विषय पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी में उपस्थित लोगों को बताया कि इस प्रकार के प्रयास से जिले में पर्यटन के प्रति नई सोच पैदा होगी। जिले के निवासी पर्यटन और पुरातत्व स्थलों के संरक्षण के लिए आगे आए तो पर्यटन संस्कृति का विकास होगा, देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन का काफी विकास हुआ है। मचकुंड, झोर, बाबर गार्डन, वन विहार आदि पर्यटन स्थलों में सुविधाओं का विकास किया गया है। धौलपुर शहर में स्थित प्राचीन बावड़ियों का मुख्यमंत्री जल संरक्षण अभियान के शहरी चरण में जीर्णोद्धार किया गया है। चंबल सफारी में पर्यटन की काफी संभावना है, निजी क्षेत्र को इसमें आगे आना चाहिए ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। हमने झिरी में पर्यटन को विकसित करने के लिए जन समुदाय की भागीदारी से प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके अच्छे परिणाम आए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज एवं जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा, पूर्व विधायक अब्दुल सगीर, कुक्कू शर्मा, अनुराग मुदगल, RCHO शिव कुमार शर्मा, DICDM भूपेश कुमार गर्ग, मांगीलाल आर, प्रशांत हुंडावाल आदि उपस्थित रहे। धौलपुर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस की टीम को बड़ी सफलता। धौलपुर कोतवाली के हत्थे चढ़ा 80 सीटर बंटू गुजर को एक युवक को किडनैप कर मारपीट के मामले में किया गिरफ्तार। धौलपुर कोतवाली पुलिस बंटू गुजर से पूछताछ कर रही है। प्रभारी ने बताया कि करीब 2 महीने पहले आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर आरोपी बंटू गुजर ने एक युवक का अपहरण करते हुए उसके साथ मारपीट की थी। आरोपी बंटी गुजर निवासी अतिराज का पुरा थाना कंचनपुर युवक को किडनैप करके जंगलों में ले गया था। पुलिस ने आरोपी की काफी तलाश की, लेकिन कई बार चकमा देकर भागने में सफल हो जाता था। आज थाना प्रभारी गौतम ने गुरुवार रात को पुलिस कब होगी राम कॉलोनी के पास 80 सीटर के खड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी पुलिस को देखकर भाग गया। इसी दौरान आरोपी पास में स्थित पहाड़ पर चढ़ गया। करीब आधा किलोमीटर दूर पीछा करते हुए पुलिस जब पहाड़ पर पहुंची तभी 80 सीटर का पैर फिसल गया और वह नीचे जा गिरा, जिससे वह घायल हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर अलग अलग थानों में करीब 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने बुधवार को अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों के साथ स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक सिंगल शॉट पचपैरा 315 बोर बंदूक और एक देसी कट्टा के साथ 5 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ कर रही है। SP नारायण टोगस ने बताया कि जिले में वंचित अपराधी और बदमाशों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुधवार को सदर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम दिया। पहली कार्रवाई के तहत जाटोरी तराई के पास मुखबिर की सूचना पर शातिर बदमाश अविनाश उर्फ बच्चा पुत्र राम निवास निवासी मनिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक 315 बोर की सिंगल शॉट पचपैरा बंदूक के साथ 3 कारतूस बरामद किए हैं। दूसरी कार्रवाई को थाना इलाके के नेकपुर मोड़ के पास अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभिषेक उर्फ ओके पुत्र लाखन गुजर निवासी जलालपुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा व 2 कारतूस बरामद किए हैं। कंचनपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वारंटी दिनेश को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा के निर्देशन में जिले में वंचित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान वंचित मुलजिम को तलाश करते हुए गिरफ्तारी वारंट सरकार बनाम नरेश कोर्ट केस नंबर 251/18 एवं FIR नंबर 118/18 में फरार चल रहे वारंटी नरेश पुत्र रामचंदी उम्र 50 साल निवासी धोजपुरा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। छान में पौआ अवैध देसी शराब सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा द्वारा अवैध शराब रखने व बेचने
या निर्माण करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर विजय कुमार सिंह व्रत अधिकारी व्रत धौलपुर ग्रामीण सेपऊ के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा उप निरीक्षक थाना कंचनपुर के नेतृत्व में मुखबर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुकेश पुत्र दौलत राम उम्र 40 साल जाति कुशवा निवासी घड़ी खिरना थाना कंचनपुर को लघुपुरा मोड़ के पास से बलकेश्वर दत्त शर्मा ASI व टीम ने किया गिरफ्तार। उक्त मुलजिम के कब्जे से अवैध देसी शराब हीर राजा के बरामद किए। इसके संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा नंबर 113/2022 धारा 19/54 के तहत दर्ज कर अनुसंधान जारी किया एवं इलाके में अवैध शराब रखने व बेचने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। धौलपुर के राजा खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रोहित बोरा के होली मिलन समारोह में शामिल होने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, PWD मंत्री भजन लाल जाटव और खेल मंत्री अशोक चांदना राजा खेड़ा पहुंचे। कांग्रेस विधायक ने निजी प्रतिष्ठान पर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए होली मिलन समारोह आयोजित किया था। कार्यक्रम में खेल मंत्री अशोक चांदना ने BJP के धर्म के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी बताया। इस दौरान उन्होंने खेल के क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आज बाड़ी में धौलपुर रोड सरमत्रा स्टोन गेंगसा पर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज का किया स्वागत। बाड़ी में परंपरा अनुसार तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा आचार्य पीठ नव निर्माण हरिद्वार आनंद पीठाधीश्वर आनंद भूषित 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज टप्पू निधि पंचायती आनंद अखाड़े का महिला एवं पुरुषों ने पूजा कर महाराज का महिलाओं ने पुष्प भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया और बाड़ी क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने माला पहनाकर जोरदार गुरु का स्वागत व सम्मान किया। सम्मान के बाद गुरु ने सबको प्रसाद व आशीर्वाद दिया। सम्मान के बाद गुरु ने हिंदू समाज को संदेश दिया कि आगामी नई पीढ़ी को गलत रास्तों पर से दूर रखें और आपस में भाईचारा बनाकर रहें। सरमत्रा स्टोन मुन्नालाल गेंगसा वालों ने नाश्ता एवं प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा जिसमें गढ़वा नागरिक प्रभाकर दीक्षित मुकेश शर्मा अभिनव शर्मा मुकेश गर्ग अशोक बांकेलाल राधेश्याम सचिन प्रदीप गोपाल नीतू रश्मि सुमन अवाम गर्ग अखांश मंगल सुमन गोयल भारी संख्या में अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।